हाय गाइज, ममता कुशवाहा ऑफिशियल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं पूर्णागिर माता के दर्शन करने, और हमारे बड़े बेटे का मुंडन है तो इसीलिए हम मुंडन करवाने जा रहे हैं। तो हमारी तैयारी हो चुकी है, मैंने खाना पीना बना लिया, इसमें खाना रखा है, ये बैग है, ये तो सारी मैंने पैकिंग कर ली है, इसमें कपड़े रखे हैं, इसमें खाना रखा है और ये बिछाने के लिए चटाई। कहाँ जा रहे हो? पूर्णागिर जाएंगे हम, आज मेरे भैया का मुंडन है, लोग भी मेरे साथ चलिएगा। हाँ, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे पूर्णागिर माता के। हाँ, 8 बजे जाएंगे और तब तक आराम कर लूँ थोड़ा बहुत क्योंकि सुबह से लगे हैं काम में। तो आप लोगों को नहीं हमने कुछ सिखा पाया, हमने क्या बनाया क्या नहीं, जब वहाँ खाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि हमने क्या बनाया। सब चीज़ ले जा रहे हैं जो भी होली पे बनती है सारी, तो वो हम सब ले जा रहे हैं। हम आ गए हैं बस पे, अब मेरे बच्चे बैठे हैं और हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत लोग जा रहे हैं गाड़ी पे, बहुत सारे हैं हमारे तो आस पास के गाँव के ही हैं, बहुत से घर के आए हैं, मतलब हमारे भाई है और सब लोग हैं। आप सभी को दिखाएंगे और ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। हाय गाइस, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? देखिए गाइस, ये जल लेके आई हैं गंगा जी से, ये सबके ऊपर छिड़क रही हैं। देखिए गाइस, हम लोग खा रहे हैं चिप्स। आ गए रूपापुर से पहले, पता नहीं कौन सा है, हम तो अंदर बैठे हैं। ये अच्छा खा रहे चिप्स। हमारा संधो फैमिली टूरिस्ट ढाबा, यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं रात के 12 बजे। अब यहाँ से खाना खा के सीधे आ गए नेव सर, और यहाँ सब लोग आराम कर रहे हैं। यहाँ सब रेस्ट कर रहे हैं, ये बस खड़ी है, दर्शन करने जाएंगे, सभी को दिखाएंगे और तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। गुड मॉर्निंग, देखिए सुबह हो गई है, हम लोग यहीं ठहरे थे रात में ये सब बोरी बिस्तरा बांध रहे हैं। हम लोग यहीं 2:30 बजे आए थे रात को, यहीं रुके थे, थोड़ी देर में नहाएंगे फिर मंदिर जाएंगे। देखिए गाइस, ये चक्रकुंड है, और जो भी मतलब यहाँ पे स्नान करता है, जो भी मतलब कुछ अपने दिल से मांगता है, मन से मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कितना शानदार यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, हम तो पहली बार आए हैं। ये नाम है, ये गए।
बहुत मस्ती की, नहाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस आप लोग यहाँ आना एक बार। गर्म पानी है, ठंडा नहीं है। नहाने के टाइम पे बहुत ही गर्म लग रहा है, ठंडा दोस्तों। अब हम लोगों ने नहा लिया है। अब पास में ये भगवान शिव का मंदिर है, अब यहाँ पर दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से दर्शन करके फिर सीधा निकलेंगे श्री ललिता देवी मंदिर के लिए। महादेव जी महादेव रचा करें, जो मनोकामना हो पूर्ण हो, सदा भवानी राहिने सन्मुख रहा बड़े, बहु का मंगल कल्याणकारी। आए हैं बहु, अपने मनमा नाम ले लो, जो मनोकामना हो चक्र बाबा पूर्ण करें। बच्चे हैं भैया? हाँ, ये दोनों बच्चों के विद्या बुद्धि के लिए, सब परिवार रक्षा के लिए, ठाकि दान मनोषे सांग रक्षा सांगिता सही माथे लगा रोजगार बढ़े। फिर आओ जल्दी, हो चुकी है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं माँ ललिता देवी मंदिर। ममता ने प्रसाद ले लिया है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मंदिर पे दर्शन करने के लिए। ये ममता जा रही है मंदिर के अंदर, और ये मेरा छोटा बेटा घंटा बजाते हुए मस्ती कर रहा है, और ये बड़ा बेटा। और ये शक्ति पीठ माँ से ललिता देवी का मंदिर है, जो बहुत ही विख्यात और बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों। यहाँ पे जो भी दर्शन करते हैं उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं दोस्तों, तो ये देखिए। और हमारे गांव से भी लोग आए हैं, ये सब लोग जो दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा मंदिर है, और माँ श्री ललिता देवी के मंदिर के दर्शन आप लोग भी कीजिएगा। देखिए सामने वो मूर्ति रखी हुई है दोस्तों, और बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे, और अच्छा लगता है दोस्तों। सदा माता दोनों जोड़ी बनी रहा, दोनों पुत्र लेके आओ है माता जी। भाई खूब भरी रहा दादा के लिए आज 51 पे। बिटिया इधर आओ, पोछा करो अपना पोछा, सदा बिटिया की रक्षा करो, कल्याण करो, कि जोड़ी हमेशा बनी रहा, दोनों पुत्र लेके आओ, कभी ना हो आज हमारे सदा कल्याण करो। खूब जो भाई भरी रहा है, सबसे ना कही दे वाले से कही थे पुत्र लेके आओ, जे भाई खूब भरी रहा है। दोस्तों कुंड बना हुआ है, और ये देखिए दोस्तों हमारे गांव से जो लोग आए हुए हैं, ये फोटो खींच रहे हैं आपके दोस्तों। अच्छा लग रहा है, और सब लोगों ने दर्शन कर लिया। दोस्तों अब चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पे हम लोग रात रुके हुए थे। खाना आना खाएंगे दोस्तों वहाँ से, फिर वहाँ से निकलेंगे सीधे ब्यास गद्दी पे। तो हम लोग आ चुके हैं, खाना आना खा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए रोटी बना है ना, खा रहे हैं खाना, दही कचौड़ी। देख सकते हैं आप लोग इधर में
चेचक बना तो देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर। ये इतने लोग बस में आए थे वो सब आ रहे हैं पीछे। ये हमारी बड़ी अम्मा हैं और भी सब लोग हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये व्यास नदी का मंदिर है। यहाँ जाओ, ऊपर वाले सब लोग यज्ञशाला इधर आओ। सब लोग परिक्रमा करो, यहाँ से यज्ञ की विभूति लगाओ, जो मन हो तुम्हारा आश्रम में वचन में जरूर दान धर्म करो। चलो दोस्तों, ये पीपल का पेड़ आप लोग देख सकते हैं 5000 वर्ष पुराना है। सारा हनुमानगढ़ी है तो यहीं पे हम आए हैं। तो बहुत से मंदिर थे, हमने बहुत से मंदिर देख भी लिए हैं और बहुत से बाकी भी हैं। तो जो भी मैं आप मतलब हम देखेंगे वो भी आप लोगों को भी दिखाएंगे कि मंदिर यहाँ कैसे हैं और कैसी जगह है। बहुत ही अच्छी जगह है गाइस, हम तो पहली बार आए हैं इसीलिए हमको कुछ पता ही नहीं था तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आ चुके हैं श्री राम जानकी मंदिर। दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों ये सामने श्री राम जानकी मंदिर की कितना अच्छा लगा है। दोस्तों मंदिर का निर्माण हो रहा है श्री हनुमानगढ़ी संस्थान। घाट में हम आओ मंदिर है। अच्छा लोग नहीं है। घाटू श्याम जी का मंदिर जी बैग रख लिया।